ऐसे प्रशिक्षक हमको मिले हैं, हमारा सौभाग्य है। याद प्रोजेक्टर भी आ गया और सारे चीजें आज बड़े सुचारू ढंग से चल रहे हैं। तो ये मौका सौभाग्य से ही मिलता है, जैसा कि हम लोगों को मिला है समूह संख्या 4। हम लोग का मुख्य जो बिंदु है वो है कृषि। वैसे जो है भारत कृषि प्रधान देश है, 72% लोग जो है खेती से जुड़े हैं, और जो हमारे स्कूल हैं वहाँ बच्चे भी जो आ रहे हैं ज्यादातर खेती वाले जो कृषक हैं वही बच्चे भेज रहे हैं। इसलिए जो है ये कृषि जो है हम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कृषि में सबसे पहले जो है खेती में फसलों का क्रम आता है कि कौन कौन सी फसलें होती हैं। तो 3 तरह की फसलें दिखाई गई है, खरीफ, रबी, जायद। वैसे एग्जाम्पल दिया गया है एक एक, वैसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। खरीफ में भी है धान है, मक्का है, कई तरह की फसलें होती है। रबी में गेहूं है, जायद में तरबूज खरबूज लिखा हुआ है। तो इसमें और भी प्रकार हैं, क्योंकि स्पेस कम होने के कारण यहाँ प्रदर्शित नहीं किया गया। आगे जो है खेती के अगला क्रम में जाते हैं तो हम मिट्टी पर फोकस कर रहे हैं कि मिट्टी जो है मिट्टी बलुई मिट्टी है, चिकनी मिट्टी है, काली मिट्टी है, दोमट मिट्टी है, क्योंकि यहाँ स्पेस कम है। नहीं तो ये भी प्रदर्शन हमको करना था कि बलुई मिट्टी कहाँ मिलती है, चिकनी मिट्टी कहाँ मिलती है, काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, दोमट मिट्टी कहाँ पाई जाती है। अब आगे बढ़ते हैं फिर कृषि यंत्र पे। कृषि यंत्र में हल, ट्रैक्टर, फावड़ा, थ्रेसर, हार्वेस्टर और चीजें भी इसमें शो करनी थी, लेकिन जगह का अभाव था। हसिया है, कुदाल है, खुरपा है, बहुत सारी चीजें हैं जो बच्चे जो है कुछ, क्योंकि बच्चे कुछ चीजें जानते हैं और जो थोड़ा हाईलाइट करना था वो यहाँ पे फोकस कर दी गई। उसके बाद सिंचाई के साधन है, सिंचाई के साधन में नलकूप है, कुआं है, नहर है, तालाब है। फिर आगे जाते हैं हम लोग सिंचाई बीज, बीज में है गेहूं, धान, मक्का, पालक, चना, लौकी, बहुत सारी फसलें आप भी जानते हैं। और हम लोग लिख नहीं पाए जगह का भाव एक नहीं, एक दो तीन चार पेपर होता तो इसको पूरा कर सकते, क्योंकि चना, मटर, जौ वो सब लिखा गया, लेकिन बहुत सारी तरोई, लौकी, करेला ये सब लिखा नहीं गया। ये आगे जो है उर्वरक पर आते हैं। उर्वरक में बच्चे जो है गोबर की खाद है वो हमने नहीं लिखा है। अब यूरिया है, डीएपी है, वर्मी कंपोस्ट है, कुछ जो है कीटनाशक है, फाई डाल है, मैंने ध्यान है, बहुत सारे और भी उर्वरक है। फिर विपणन है, मतलब मार्केटिंग होगी, क्योंकि पैदा करेंगे तो फिर उसको बाजार में ले जाया जाएगा, छोटी बाजार है, फिर मंडी है अपनी, गोदाम है उसको, फिर जैसे आलू है तो प्रशीतन किया जाता है, उसको कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है। तो ये जो है कुल मिला करके कृषि के जितने संभव हो सके इस पेपर पर वो इस पर दर्शाया गया है। और अब हम जो है और लोगों से भी आपको रूबरू कराते हैं, ये हमारे मित्र हैं जिनके सहयोग से ये सब हुआ है। मित्र मनोज जी द्वारा कुछ बातें जो रह गई है मैं उसको और आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि माननीय अजय जी हमारे जो प्रशिक्षक महोदय हैं उनके द्वारा जो निर्देशित किया गया था उसके अकॉर्डिंग लैंग्वेज पेडोगॉजी के तहत हमें बच्चों की भाषाई ज्ञान के संवर्धन के लिए एक ऐसी थीम देनी थी जिसके माध्यम से बच्चे अपना भाषाई ज्ञान संवर्धित कर सके। तो जो जैसा मनोज जी ने बताया कि हमारे यहाँ बच्चे मुख्य रूप से ग्रामीण परिवेश से आते हैं, कृषि से जुड़े होते हैं, तो यदि उनको कृषि शब्द की थीम दी जाए और उसे थोड़ा हिंट किया जाए, उन्हें थोड़ा उसमें कुछ सुझाव दिए जाए तो वो अपनी भाषाई ज्ञान को और बढ़ा सकते हैं। तो किसी भी ज्ञान को किसी भी बच्चे के अंदर पूरी तरह से स्थापित करने की जो प्रक्रिया है वो LSRW के थ्रू होती है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग के थ्रू। तो जब हम क्लास में बच्चे से कहा कि बच्चे आप लोग खेती से आते हैं तो खेती के बारे में क्या जानते हैं, तो
तो बच्चा खेती के बारे में बहुत कुछ जानता है। तो जैसे हम उससे कहें कि मिट्टी के बारे में बच्चों कुछ बताओ, तो बच्चा बताएगा कि काली मिट्टी होती है, कुछ बलुई मिट्टी होती है, कुछ ढलही मिट्टी होती है, कुछ भुरभुरी मिट्टी होती है। ये उसका अपना ज्ञान है। उस ज्ञान को संवर्धन करने के लिए हम उनको बताएंगे कि एक दोमट मिट्टी होती है, एक बलुई मिट्टी होती है, चिकनी मिट्टी होती है, काली मिट्टी होती है। जिसको वो सुनेंगे, उन्होंने हो सकता है पहले भी सुन रखा, लेकिन उसका शुद्ध उच्चारण वो सीखेंगे। हम उसको लिखना बताएंगे तो वो उसको शुद्ध लिखना सीखेंगे। जब उनको हम हिंट देंगे कि अच्छा बताओ साधन कौन कौन से आप लोग अपनी कृषि में यूज करते हो, तो कहेंगे खुरपी है, फरुआ है, कुदाल है, गुरुजी जोताई तो ट्रैक्टर से होता है। कुछ बच्चे कहेंगे अरे गुरुजी हल हमारे यहाँ हर चलत है, वो कहेंगे हर चलत है। तो हम उसको संवर्धित करेंगे कि बच्चा हर नहीं है, हल है, ट्रैक्टर नहीं है, ट्रैक्टर है। हम उसको बताएंगे कि कुदाल लगा कुदाल है। तो उससे उनका ज्ञान संवर्धित करेंगे, सही लिखवाने की कोशिश करेंगे। एक बच्चा बताएगा, दूसरा बच्चा हो सकता है सही जानता हो तो उसे सही करने की कोशिश करेगा। इस तरह से जिस क्षेत्र से वो जुड़े हुए हैं, उस क्षेत्र की थीम के थ्रू हम उनका वोकैबुलरी, जो उनका शब्द भंडार है, उस शब्द भंडार को संवर्धित कर सकते हैं। जैसे अभी हमारे ग्रुप के बहुत, मतलब ग्रुप के अतिरिक्त जो दूसरे ग्रुप थे, उनके लोगों ने जो एक छोटी छोटी थीम दी, जैसे घर दिया, शिक्षा दी, तो ये सब का उद्देश्य जो इंस्ट्रक्टर ने हमें बताया था, केवल वोकैबुलरी संवर्धन से संबंधित हमें एक थीम पे बात करनी थी, वोकैबुलरी संवर्धन से संबंधित हमें एक प्रोजेक्ट देना था। तो ये हमारे ग्रुप में ये चीजें ग्रुप मेंबर के माध्यम से, विचारों के मंथन के माध्यम से सबसे जो सुटेबल थीम लगी वो कृषि लगी, और उसका हम लोगों ने चयन। बहुत बहुत बढ़िया।